हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। इससे पहले हम कुषाण काल और शुंग काल के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले गुप्त काल के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, जो हर बार बहुत बार पूछी जा चुकी है, ठीक है, तो वो है कि गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और पहला पॉइंट है कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर हम बौद्ध गुप्त काल के धर्म की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। मेनली ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, लेकिन बौद्ध धर्म के साथ साथ जो गुप्त काल है उसमें बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन, वैष्णव, शैव धर्म से संबंधित भी जो कलाएँ हैं वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जितने भी जैसे शिव विष्णु हैं, तो देवी देवताओं के साथ साथ यहाँ पर यक्ष, यक्षिणी, द्वारपाल, इनके से संबंधित जो शिल्प थे वो भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए, गुप्त काल को जो है वो धार्मिक सहिष्णुता का काल भी कहा जाता है। गुप्तकालीन जो वास्तुकला है उसके प्रमुख उदाहरण की हम बात करें तो यहाँ पर मेनली जो आता है वो आता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मंदिर। गुप्त काल में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, इन सब का ही बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और इस काल में जो है वो बौद्ध स्तूपों, मंदिरों और स्तंभ, विहार, ठीक है, इन सब का बहुत बड़ी मात्रा में जो है निर्माण हुआ है। उसके साथ साथ ही यहाँ पर बौद्ध जो मूर्तियाँ हैं वो भी मिली हैं। उसके बाद देखिए कि जो मंदिर हैं बौद्ध धर्म में, सॉरी गुप्त काल में जो मंदिर हैं वो दो प्रकार के आते थे। फर्स्ट तो है गुहा मंदिर, ठीक है। तो गुहा मंदिर क्या होते हैं, जो कि पहाड़ों को काट कर डायरेक्ट बनाए जाते हैं, और एक होते हैं संरचनात्मक मंदिर। तो इनमें क्या होता है, पत्थरों और ईंटों को जोड़कर उनसे फिर जो भी आकृति है या जो मंदिर है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के मंदिर हैं। उसके बाद मंदिरों में शिखर का प्रचलन जो है वो गुप्त काल से स्टार्ट हुआ था। मंदिर के अगर हम अंग की बात करें तो ये पांच अंग होते थे, जगती, गर्भगृह, मंडप, प्रवेश द्वार और शिखर। कई बार ये पूछ लिया जाता है गर्भगृह का, तो जहाँ पर जो मुख्य देवता होते हैं जिनकी प्रतिमा वहाँ पर स्थापित होती है तो वो गर्भगृह होता है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये सब आपको पता ही होगा, शिखर जो सबसे टॉप पे वो होता है, ठीक है ना, तो वो शिखर होता है। उसके बाद प्रवेश द्वार भी आपको पता है, और ठीक है, तो ये सब। उसके बाद देखिए, गुप्त काल का भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण, तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि ललितपुर में है, ठीक है, यूपी में ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उसके बाद बात करते हैं हम गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश की जो है, गुप्त काल की जो स्थापना है वो श्री गुप्त के द्वारा की गई थी, और इनको जो उपाधि है वो महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण की थी। 275 ईस्वी में इन्होंने गुप्त वंश की जो स्थापना है वो की थी। अब इनके श्री गुप्त के बाद जो वहाँ पर शासक थे वो थे घटोत्कच, जो कि श्री गुप्त के पुत्र थे। उसके बाद घटोत्कच के पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम, ये बहुत प्रतापी राजा माने जाते थे। और गुप्त काल की जो वास्तविक संस्थापक कहें या प्रॉपर जो शुरुआत है वो चंद्रगुप्त प्रथम के काल से ही मानी जाती है। स्थापना इन्होंने की थी गुप्त वंश की, लेकिन जो असली गुप्त काल की शुरुआत जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के काल से ही मानी जाती है। मतलब उस चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम से बिल्कुल जो इनका साम्राज्य है वो बिल्कुल पीक पर था, ठीक है। जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो बहुत ही प्रतापी राजा माने जाते थे, और इन्हें जो उपाधि है वो महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। उसके बाद इन्होंने जो है वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। लिच्छवी वंश जो है वो नेपाल से था, तो वहाँ उनकी जो राजकुमारी थी कुमार देवी, उनसे इन्होंने विवाह किया था। अपनी रानी और स्वयं के संयुक्त नाम के सिक्के इनके द्वारा जारी किए गए थे।
समुद्रगुप्त, उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन इन्हें कहा जाता है, कविराज की उपाधि भी इन्हें दी गई थी। और इनके जो अभियान हैं उनका उल्लेख एरन अभिलेख में देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ ही जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था, इनके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का जो युद्ध कौशल था वो बहुत ही अद्भुत था, मतलब ये युद्ध कौशल में, युद्ध में बहुत ज़्यादा पारंगत थे। उसके बाद इनके अभियानों का उल्लेख जो है एरन अभिलेख में देखने को मिलता है। इलाहाबाद स्तंभ में इनकी उपलब्धियों का विवरण, विस्तृत विवरण देता है। इलाहाबाद जो स्तंभ है, ठीक है, में इनकी उपलब्धियों का विवरण है। इस शिलालेख की रचना इनके दरबारी कवि हरि सेन ने की थी। भाषा की अगर हम बात करें तो वो संस्कृत भाषा में की गई थी। कौन से? इलाहाबाद स्तंभ की। यह शिलालेख उसी स्तंभ पर खुदा हुआ है जिस पर अशोक का शिलालेख है। और इनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों में वीणा के साथ इनका चित्र मिलता है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों में वीणा जो है वो बजाते हुए दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो समुद्रगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इनके दरबार में नवरत्न थे। इन्हें चंद्रगुप्त, अच्छा कई बार ये चंद्रगुप्त द्वितीय लिखा हुआ आता है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी लिखा हुआ आता है, क्योंकि इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। गुप्त काल को स्वर्ण युग तक ले जाने का श्रेय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जाता है। देखिए गुप्त काल में जितने भी राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, समुद्रगुप्त हुए, ये सभी बहुत ही पराक्रमी थे। और इन्होंने, इनके काल में जो भी कला है, वास्तुकला है, इनका बहुत ज़्यादा जो है विकास हुआ था। और इन्होंने सबने ही अपने साम्राज्य का अच्छे से विस्तार किया है, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके दरबार में जो नवरत्न थे उसमें सबसे मुख्य जो नाम है वो आता है कालिदास का। अब कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था, जो कि यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाला पहला भारतीय कार्य था। उसके बाद है अमर सिन्हा, ठीक है, इनकी कृति थी अमरकोश। ये कृतियाँ कई बार पूछ लिया जाता है, नाटक ग्रंथ जो है वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब जो अमरकोश है वो संस्कृत जड़ों, समनामों और पर्यायवाची शब्दों की शब्दावली है। इसके तीन भाग हैं जिसमें लगभग 10,000 शब्द हैं। इन्हें त्रिकंद के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें तीन भाग है इसीलिए इसे त्रिकंद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है वराहमिहिर, इनकी जो पुस्तकें हैं पंच सिद्धांतिका, पांच खगोलीय प्रणालियों की रचना की थी। उसके बाद वृद्ध संहिता, संस्कृत भाषा में एक महान कार्य है यह वृद्ध संहिता जो है वो है खगोल विज्ञान, ज्योतिष, भूगोल, वास्तुकला, मौसम, पशु, विवाह और शकुन जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित हैं। तो ये थोड़ी डिटेल में है, कई बार ज़्यादा डीप अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ से पूछ सकते हैं, तो एक बार आप इन्हें देख लीजिएगा। उसके बाद एक है वृहत जातक, ठीक है, तो वृहत जातक जो है वो ज्योतिष पर मानक कार्य के लिए जाना जाता है। तो ये तीन वराहमिहिर के जो है पुस्तकें हैं। उसके बाद आता है धन्वंतरी, ये तो सबको पता होगा, इन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। उसके बाद है घटकारा पारा, ये मूर्तिकला और वास्तुकला के विशेषज्ञ थे। उसके बाद है शंकु, ये एक वास्तुकार थे जिन्होंने शिल्प शास्त्र लिखा था। उसके बाद है कहपनक, ये एक ज्योतिष थे और इनके द्वारा ज्योतिष शास्त्र लिखा गया था। वररुचि, प्राकृत भाषा के प्रथम व्याकरण, प्राकृत प्रकाश, इनकी रचना थी प्राकृत प्रकाश। उसके बाद है वेताल भट्ट, मंत्र शास्त्र के लेखक और एक जादूगर थे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने नागा राजकुमारी कुबेर नंगा से विवाह किया था। विक्रमादित्य और सिंह विक्रम की उपाधि इन्होंने धारण की थी।
सोने चांदी तांबे के सिक्के इनके द्वारा जारी किए गए थे और उन सिक्कों पर इनका जो उल्लेख मिलता है वो चंद्र के रूप में मिलता है। चीनी यात्री फाइयान इनके शासनकाल में भारत आया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी पॉइंट बिल्कुल जो मेन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो वो सब हैं। तो चीनी यात्री फाइयान आया था, ये भी पूछ लिया जाता है कि इनके शासनकाल में कौन आया था या फिर फाइयान जो है वो किसके शासनकाल में आया था, किस वंश से संबंधित है। तो उसके बाद आ जाते हैं कुमारगुप्त प्रथम, इन्हें शुक्रदित्य भी शुक्रादित्य है, ठीक है, शुक्रादित्य भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम को सिक्कों पर वीणा धारण किए हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को भी और कुमारगुप्त को भी इनका भी उल्लेख मिलता है कि कुमारगुप्त को भी सिक्कों पर वीणा धारण किए हुए दिखाया गया है। उसके बाद कुमारगुप्त जो थे उनके शासनकाल के अंत में मध्य एशिया में के हूणों के आक्रमण के कारण उत्तर पश्चिमी सीमा पर शांति कायम नहीं हुई। बैक्ट्रिया पर कब्जा करने के बाद हूणों ने हिंदुकुश पर्वत को पहाड़ों को पार किया, गांधार पर कब्जा किया और भारत में प्रवेश किया, ठीक है। तो हूणों का जो आक्रमण था वो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान पहला जो हमला है वो किया गया था राजकुमार स्कंद द्वारा, इसे फिर असफल कर दिया गया था। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के शिलालेख की अगर हम बात करें तो वो थी करदंडा मंदसौर बिलसाड़ शिलालेख थे। इनके शासनकाल का सबसे पुराना जो अभिलेख है वो था और दामोदर कॉपर प्लेट शिलालेख। तो ये इनके कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त जो है वो कुमारगुप्त के पुत्र थे। हूणों के हमले का इन्होंने जो है प्रतिकार किया था, ये हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। तो जो शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था कुमारगुप्त के समय में और उसे आक्रमण को असफल किया था इनके पुत्र स्कंदगुप्त ने। उसके बाद जो अगर हम इसके लास्ट जो अंतिम शासक थे उनकी बात करें तो वो थे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। गुप्त काल की जितनी भी मूर्तियां हैं वो प्रमुखतः हमें मथुरा और सारनाथ के केंद्रों से देखने को मिलती हैं या वहां से हमें प्राप्त होती हैं। तो ये गुप्त काल के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो है यूनिट सेकंड का ही जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सारनाथ और जितने भी ये सब जो यूनिट सेकंड से हमारे संबंधित हैं सिलेबस में वो हम कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और अगर आपने आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक चाहिए। थैंक यू।